सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रनटिंग डेथ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डायमंड लीग के बारे में बात करने वाले जो कि फ्रेंड्स दोहा में होने जा रहे हैं फ्रॉम 5th में। तो फ्रेंड्स आपको बता दी, उसके अंदर हमारे बहुत सारे क्या थे इंटरनेशनल प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने वाले। तो फ्रेंड्स बता दें, इंडिया से ऑलमोस्ट 2 पार्टिसिपेंट का अभी कन्फर्मेशन लेटर आ गया, बिकॉज एक तो है हमारे ओलंपिक चैम्पियन नीरज चोपड़ा, देन दूसरे हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स चैम्पियन ट्रिपल जंप में एल्डोस पॉल है। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि नीरज चोपड़ा ने का पूरा हम समरी जानेंगे, और फ्रेंड्स कौन कौन कंपटीटर्स उनसे कम्पीट करेंगे एट द दोहा डायमंड लीग, उसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप ये कैसे देख पाओगे फ्रेंड्स, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन ऑल द स्पोर्ट्स रिलेटेड एरना। सो गाइस, विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स बता दें कि ओलंपिक जैवलिन चैंपियन एंड वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और जो हमारे नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है नीरज चोपड़ा, वो ज्वाइन करेंगे एंडरसन पीटर्स जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट जैकू वेडलेच को जो कि चेक रिपब्लिक से आते हैं, इन द दोहा डायमंड लीग कॉम्पिटिशन जो कि फ्राइडे को होने जा रहे हैं फ्रॉम 5th में। फ्रेंड्स वो वन डे कंपटीशन रहता है दोहा डायमंड लीग। तो फ्रेंड्स बता दें कि सबसे पहले इंडिया का जो कहते नीरज चोपड़ा, वो सबसे पहले लाइमलाइट हुए तब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन द 2016 वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप विद द थ्रो ऑफ 86.48 मीटर। तो फ्रेंड्स वो वहाँ से उनका नाम बहुत ही सुर्खियों में। फिर उसके बाद उन्होंने 2018 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, फिर बाद में टोक्यो गए, वहाँ पर उन्होंने इतिहास रच दिया विद द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन ट्रैक एंड फील्ड फॉर इंडिया। और फ्रेंड्स बता दें कि उन्होंने अपना जो नेशनल रिकॉर्ड है वो इम्प्रूव किया था बाय 2 मीटर्स विद द थ्रो ऑफ 89.94 मीटर्स इन द स्टॉकहोल्म डायमंड लीग, और फ्रेंड्स उसी की वजह से वो चैंपियन बने थे 2022 वांडा डायमंड लीग चैम्पियन। फ्रेंड्स बता दें कि उनको इंजरी था, इसीलिए वो लास्ट टाइम 2022 दोहा डायमंड लीग में नहीं खेल पाए। और फ्रेंड्स बताएं कि पीटर्स जो कि रिटर्न करेंगे 2023 एडिशन दोहा डायमंड विद द जैसा मैंने पहले बताया जैकू वेडलेच होंगे, और फ्रेंड्स जैकू वेडलेच का पर्सनल बेस्ट 93.03 मीटर्स, यस। और फ्रेंड्स उनके बाद दोहा डायमंड लीग में तो 3 जन दिखेंगे हमें, बट फ्रेंड्स उनके बाद यूरोपियन चैम्पियन जूलियन वेबर वो आएंगे, और वो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप 4th प्लेस फिनिशर रह चुके और ओलंपिक भी 4th प्लेस फिनिशर विद द पर्सनल बेस्ट उनका देखिए तो 89.54 मीटर से, और ओलंपिक चैंपियन एंड ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है कैसरोन वॉलकॉट विद द पर्सनल बेस्ट देखिए 90.16 मीटर, और जूलियस एगो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर 2016 ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट उनका पर्सनल बेस्ट 92.72 मीटर्स। तो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं जूलियस ये को कभी भी विस्फोट हो सकते हैं। और फ्रेंड्स बताए कि अंडर डायमंड लीग 14 मीट होंगे टोटल विद द स्टार्टिंग ऑफ दोहा एट द कटार, और फ्रेंड्स इसका जो फाइनल होगा ये यूजीन में होगा 16-17 सितंबर। और फ्रेंड्स ये जो सब है ये आपको लाइव ब्रॉडकास्ट देखने मिलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आप कहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट देख पाओगे। अभी तो फ्रेंड्स ये वांडा डायमंड लीग है ये दोहा में होने जा रही है, वो फ्रेंड्स होंगे ब्रॉडकास्ट वाईकॉम 18 पिक्चर्स पे होंगे, तो फ्रेंड्स आप वहाँ पे ज़रूर देखना। फ्रेंड्स अभी शेड्यूल आया नहीं, शेड्यूल आएगा तो मैं आपको डिटेल में पूरा बता दूंगा। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन सिंपली पुट अ थम्स अप एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। आई विल कमिंग अगेन गेटिंग यू सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द स्पोर्ट्स रिलेटेड एरना। Till then, keep watching, run till death as always.